अमीर ढकिया और ख़वातीन हज़रात, ढकिया और बंगलादेशी ख़वातीन हज़रात, अफवाह और अंधविश्वास जो खाली बांग्लादेश में नहीं तमाम दुनिया में चलते रहता है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, बहुत से मुल्क में है। तो आज कुछ अंधविश्वास के बारे में हम कुछ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्लाइड देख रहा है जो तुम्हें अभी सबके सामने सबके नज़र में ला रहा है। बहुत आदमी कह रहा है, कुछ आदमी कहता जो जो इतना कुछ दवा है जो कोरोना वायरस जो खांसी और गला का बीमारी बुखार इतने इतने दवा है, शायद इसका भी कोई दवा है। WHO करे जो नहीं, WHO मैंने ये सबका जो ऑथेंटिक है कौन है ऑथोराइज, यहाँ पर ही जो क्या ना तो इसको ट्रंप ने कैसे या बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कैसे जिन्हें भी कैसे कोई कोई एटो कोई बात नहीं, बात होगा जो तभी उठो होगा जो जबकि उसका एविडेंस होगा, टेस्ट होगा, प्रमाण मिलेगा, तभी इठो को फाइनल कहा जाएगा। जो किन्नी क्या कैसे नहीं किसे ट्रंप कहे चाहे शेख हसीना का, इसमें कुछ आता जाता नहीं। तो खैर जो बात हम कह रहे थे, तो WHO कर जो नहीं अभी तक कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है नहीं। हाँ, सिम्टोमिक ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दिया जा सकता है, बुखार कम आने के लिए पैरासीटामोल, सर्दी के लिए नाक नाक बहने के लिए या के लिए या एलर्जी के लिए एंटीहिस्टामिन, ये सब दिया जा सकता। अच्छा, और हम स्लाइड देंगे हर एक तो जो बात का है, एक बात का पीछे पीछे एक तो स्लाइड देंगे। अच्छा, उसका बाद ही कह रहा जो कोई एंटीबायोटिक इफेक्टिव है WHO का तो नहीं। कोरोना वायरस क्या कोई वायरस का अगेंस्ट भी अभी तक ऐसा कोई एंटीवायरल मेडिसिन निकला नहीं, खासकर कोरोना के बारे में तो निकले ही नहीं। जो कोरोना का अगेंस्ट में कोई कोई एंटीबायोटिक है ही नहीं। अब कहाँ से बांग्लादेश में सुना जो ट्रंप ने भी बोले कैसे कि क्या एजिथ्रोमाइसिन और भी क्या मेडिसिन निकल गया, एंटीबायोटिक निकल गया। हो सकता इसे एंटीबायोटिक वही कोरोना वायरस का साथ है भी, यदि वही जात का बीमारी रहे, बैक्टीरियल डिजीज अगर रहे तब हो सकता उठो उसमें काम में आ सकता, मगर कोरोना को ऊपर आ सकता नहीं। ये रहा बात और क्या, नो एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस, ओनली बैक्टीरिया, ये जो कह रहा है एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क। हम देखकर स्लाइड देंगे, मेरे लेक्चर का बातें वो है कि टोल के स्लाइड देंगे। तो जो तो कह रहे हैं जो हो सकता है वो रिलेटेड कोरोना का साथ भी, मानी COVID-19 का साथ भी वो सब बैक्टीरियल बीमारी था जिसलिए वो एंटीबैक्टीरियल दवा से काम आया। आदमी समझ जाए ये दवाई बुझी कोरोना वायरस के अगेंस्ट में काम कर रहा, नहीं। अच्छा, बहुत सा आदमी समझता जो नहीं ये तो कोरोना वायरस खाली मानी उम्र वाला आदमी कोई पकड़ेगा, कम उम्र को कम पकड़ता, ऐसा कोई बात नहीं, पकड़ता सभी को समान। ये बीमारी बड़ा आदमी हो क्या या हो सभी को समान है, सबसे इन्फेक्ट करता। मगर हाँ, जवान आदमी का इम्यूनिटी रहता जिसके लिए उन लोग का सिम्टोम दिखने में टाइम लगता या बॉडी का इम्यून सिस्टम ही वायरस को मार डालता, मगर पकड़ता सुबह चाहे बूढ़ा रहे या जवान रहे, ये क्रॉनिक डिजीज है या क्रॉनिक डिजीज नहीं है। अच्छा, बहुत सा आदमी का ख्याल है जहाँ गार्लिक मानी रसून खाने से कोरोना वायरस के लिए फायदेमंद है, तो WHO कहते हैं नहीं, इसका भी स्लाइड में देंगे। लहसुन हाँ तो अच्छा, मैं इसका माइक्रो या का WHO कह रहे गार्लिक इज ए हेल्दी फूड दैट मे हैव सम एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज मगर नॉट एंटीवायरल।
नॉट इन यूक्रेन, जिस राज में देंगे। अच्छा, और अभी कितना ही अफवाह है, जैसे कि बहुत आदमी कहते सोचते कि भाई हम अगर नाक का कोई ड्रॉप देंगे, सेलाइन ड्रॉप, ये सब देखें नाक सफा रखने से मुझे मेरा कोरोना में इफेक्ट होगा नहीं, ये सब भी कोई एविडेंस है नहीं। तो इट भी एक ठो अफवाह या हो सकता है एक ठो अंधविश्वास। अच्छा, अभी बहुत सारा अंधविश्वास है भाई, जो कोरोना में तो न्यूमोनिया के तरह भाव, न्यूमोनिया का तरह एक बीमारी का निमोनिया से मिलते जुलता, तो कहते भाई न्यूमोनिया का वैक्सीन देने से भी कोरोना वायरस का जो COVID-19 उसमें काम करेगा, मगर इट भी गलत विश्वास, अंधविश्वास, भूल विश्वास या अफवाह, इट भी विश्वास करने मना करी से WHO ने। अच्छा, उसके बाद देखा था वही थर्मल स्कैनर देखे तो ये बीमारी पकड़ सकता, भाई थर्मल स्कैन कोविड हो या COVID-19 हो, कोई कोरोना का हो, क्या जो भी हो, क्या मलेरिया हो, क्या जो भी, बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा रहने से ही थर्मल स्कैन में पकड़ा जाएगा। और कोरोना वायरस के जो इन्फेक्टेड हुआ उनको इन्फेक्टेड होने का साथ साथ तो और बॉडी टेम्परेचर उठते थे, बॉडी टेम्परेचर उठते थे तो टाइम लगता, इसके अंदर जो आदमी को थर्मल स्कैन में पकड़ा गया नहीं वो भी कोरोना वायरस का कैरियर हो सकता।